और बहराइच हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मृतक रामगोपाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में रामगोपाल के साथ बर्बरता के सबूत मिले हैं। रामगोपाल के शरीर में लगे हैं 35 छर्रे। हत्या से पहले तड़पाया गया, नाखून उखाड़ा गया, रामगोपाल को करंट भी लगाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बहराइच हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की जो हत्या की गई थी, उससे पहले उसे तड़पाया गया था, उसे करंट लगाया गया था, उसके नाखून तक उखाड़े गए थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर झड़प हुई थी तो झड़प के दौरान इस तरह से बेरहमी से टॉर्चर करने की क्या जरूरत थी, और अगर हीट ऑफ द मोमेंट में गोली चली थी तो आखिरकार इतने तरीके से इस तरह से जो बेरहमी की गई है रामगोपाल मिश्रा से, उसके पीछे क्या सफाई दी जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रामगोपाल के साथ बर्बरता के सबूत मिले हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। जी मीडिया संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति, बहुत बड़ी जानकारी इसमें आ रही है कि बिल्कुल टॉर्चर किया गया था, करंट लगाया गया था और 35 छर्रे शरीर पर, यानी पूरी तरह से ऐसा लग रहा है दर्दगी की गई, बेरहमी की गई। देखिए, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, और ये एक बात और सामने आ गई है कि ये जो पूरा जो हुआ था, इंसिडेंट जो हुआ था, ये पूरा प्लानिंग के साथ हुआ था। जिस तरीके से हम लोगों ने दिखाया था कि जिस तरीके से वो जो मेन आरोपी था उसके घरों पर किस तरीके से पत्थर पहले से रखे गए थे, बोतलें थी, और उसके बाद जब ये रामगोपाल को घर के अंदर खींच के ले गए, उसके बाद उन्होंने लगभग 30 मिनट तक रामगोपाल के साथ बर्बरता की सारी जो हदें थी वो पार कर दी। उसके पैर से नाखून उखाड़े गए और उसके सर पर भी चोट के निशान है। उसके बाद उसको गोली जो है वो बिल्कुल पास से मारी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये इन बातों का खुलासा हुआ है, और ये भी इस बात सामने आई है कि धारदार हथियार से रामगोपाल के जो शरीर पर कई ज्यादा चोट के जो निशान थे वो भी सामने आए हैं, और साथ ही नाखूनों को भी खींच के बाहर निकाला गया था। ये पीएम रिपोर्ट में सारी बातें सामने आई है, और माथे पर, उसका जो माथा था उस पर भी किसी धारदार हथियार से जैसे पहले उसको किया गया, उसको मारा गया, उसके बाद जो बहुत ज्यादा ब्लड है वो पहले निकल चुका था, बहुत ज्यादा ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी। बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाकई काफी दरिंदगी की जो बातें हैं वो सामने आई हैं, जिस तरह से उसे टॉर्चर किया गया था मारने से पहले, और इसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रीति इस पूरी जानकारी के लिए।